राजस्थान के बारा छिपाब डौद उपखंड क्षेत्र के परबन ब्राहत सिंचाई परियोजना में कई गांवों को डूब क्षेत्र में नहीं लेने के कारण स्थानीय लोगों में भारी रोष दिखाई दिया। तो वहीं डूब क्षेत्र के रणजीत सिंह मालोनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज जो कई गांव में डूब क्षेत्र के सदस्यों ने छिपाब डौद उपखंड मुख्यालय पर आकर धरना प्रदर्शन एवं विरोध प्रकट किया, जिसमें बताया कि परबन सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के परिवारों की मुख्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम छिपाब डौद उपखंड मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें परबन बृहत सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के परिवारों की समस्याओं का समाधान अगर समय रहते नहीं किया गया तो डूब क्षेत्र के किसान करेंगे उग्र आंदोलन, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके साथ डूब क्षेत्र के लोगों की तीन प्रमुख समस्याएं हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह सिरोही, आप देख रहे हैं मेरे साथ टीवी भारती न्यूज़। आज हमारे साथ है डूब क्षेत्र के वो किसान जिन्हें एक तारीख दे दी गई है कि इस तारीख को आप यहाँ से गांव खाली करें। वहीं जो स्थान इनको दिया जा रहा है वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ की क्या स्थिति है हम जानना चाहते हैं। जी सर, बताइए क्या स्थिति है आपकी और क्या डेट आपको मिली है यहाँ पे? हम परवन बृहत सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के निवासी 31 मार्च 2023 के पहले हमें गवर्नमेंट ने एक शपथ पत्र दिया गया है, उस पर साइन करवा के कि आप 31 मार्च 2023 के पहले पहले आपको किसी भी स्थिति में हम यह आपको मकान खाली करके यहाँ से विस्थापन करना है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए जहाँ पे हमें प्लॉट आवंटित किया था वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे मूलभूत कोई सुविधा नहीं है, और न स्कूल है, न आंगनबाड़ी है, न हॉस्पिटल, कोई सुविधा, मूलभूत कोई सुविधा नहीं है। तो हम वहाँ पे जाके मकान भी बनाए तो पानी के बिना और लाइट के बिना मकान कैसे बनेगा? हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे तो कहाँ पढ़ने जाएंगे? वहाँ पे अगर कोई महिला डिलीवरी वाली है कोई भी है तो उनका वहाँ पे क्षेत्र के कितने गांव के लोगों को वहाँ पे कितनी जमीन वहाँ पे दी गई है, कितने गांव पे? वहाँ पे 7 गांवों के दिए वो प्लॉट आवंटित किए हैं, लगभग 2500 प्लॉट आवंटित किए हैं। उनके ऊपर प्लॉटों की वो जो संख्या होती है ना आवंटन संख्या, वो भी वहाँ पे दर्ज नहीं की गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।